हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी आज है 5 सितंबर और अभी मैं थोड़ा सा गई थी, आपको मालूम है मैं किधर जाती हूँ ज़्यादातर आर्ट सिटी में, क्योंकि घर का जो सामान मुझे लेना था कुछ, तो मेरे सामने है ना बिग बाज़ार आर्ट सिटी मॉल, तो उधर से मैं मुझे आसानी होता है सब कुछ खरीदना, तो मैं फटक से चली जाती हूँ। और ऑटो से मतलब ऑटो में कितना 5 से 7 मिनट तक लगता है ऑटो में, तो फटक से मैं पहुंच जाती, तो मैं जाती हूँ हमेशा आर्ट सिटी में। और मैं आर्ट सिटी में गई थी बिग बाज़ार में, क्योंकि कल है एक स्पेशल डे, और वो स्पेशल डे है क्या है गेस कीजिए क्या है। तो ये है कुछ सामान, तो आप गेस कीजिए किसका कुछ किसी का बर्थडे है, तो गेस कीजिए आप किसका बर्थडे हो सकता है। और ये है कुछ सामान बर्थडे का। मनाली बहुत मतलब जिद कर रही थी कि मम्मी ये लो ये लो, ये ऐसा कुछ ऐसा ट्विस्ट करने से कुछ होता है, तो मैं फर्स्ट टाइम लेके आई उसको मार्केट 99 से। तो ये है एक, उसके बाद एक नया टाइप का बलून है मनाली, देखिए पैकेट को कैसे काट दिया आने के बाद, उसको अभी बलून को मतलब वो करना है। तो ये बलून है कुछ, तो अब मैं मनाली जब खोली दिया पैकेट को, मैं खोली देती हूँ उसको, तो कुछ ऐसा है स्माइली इमोजी का जो है वैसा कुछ है बलून्स, तो ये सब है। और मैं गई थी बिग बाज़ार में, तो मैं बिग बाज़ार में जब जाती हूँ मैं तो फिश लेके आती हूँ, तो फिश है, तो बस अभी आपको दिखाती हूँ मैं मैंने क्या क्या बिग बाज़ार से मैंने परचेस किया है। बहुत ही नॉर्मल सा सब मतलब चीज़ है। और ये व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी 6 सितंबर को, तो आप गेस करते रहिए किसका बर्थडे है कल। और बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ और मिलती हूँ दिखाने के बाद अगले मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या है मेरे बिग बाज़ार की बैग में। और ये एक पैकेट से मैंने एक निकाला, तो बहुत अच्छा लगता है ना, बचपन की आदत है, मैं मुझे बचपन से बलून को क्या बोलते हैं फुलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास है हाथ का जो मशीन है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो पिचकई टाइप का कुछ है, तो उससे ये बलून को हाँ पंप हाँ, तो मैंने बोला एयर पंप, तो उस वो है बट अभी अलमारी पे है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैं ये ऐसे करके मनाली के मुंह के ऊपर ऐसे जिसका अंदर जो एयर है वो मैं देती हूँ, वो बहुत हंसती है। अभी आ रही है, बोल रहे मम्मी मैं करूँ क्या, मैंने बोला नहीं अभी बाद में। तो ऐसा ये बलून मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो नॉर्मल टाइप का जो बलून तो है जो कलरिंग वाला ब्लू पिंक येलो तो नॉर्मल हो गया, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं लेके आई हूँ ये। तो चलिए देखते हैं बैग में क्या क्या है। तो ये है मेरा सब दो बैग्स, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ फ्रोजन आइटम, क्योंकि मुझे जल्दी से इसको फ्रिज में रखना है, स्टोर करना है। और प्लीज़ जो नॉनवेज नहीं खाते हो, वेज खाते हो, उनको मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि हम बंगालीज थोड़ा सा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट में है चिकन एंड चीज़ी बॉल्स, ये है एक, और ये ज़ोराबियन का है, मैं हमेशा ज़ोराबियन का ही परचेस करती हूँ। तो ये है जो है ना परिजात ज़ोराबियन एक्ट्रेस, उनकी फैमिली का ही है ये बिजनेस, तो ये है एक। उसके बाद है मेरा सबसे फेवरेट है ये है क्रैप स्टिक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सूप बनाकर या तो नूडल्स में दे के या तो ऐसे ही ओवन में थोड़ा सा बेक करके मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रैप स्टिक्स। तो ये है अभी बहुत नरम हो गया, इसको फ्रिज में अभी तुरंत रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बंगालीज का फेवरेट है मिष्टी दोई, और ये जो मिट्टी का जो पॉट में है वो आज नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ, वो मिट्टी का पॉट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये है बंगालीज फेवरेट मिष्टी दोई, बट रसगुल्ला जो है वो नहीं था उधर, तो इसीलिए मैं मिष्टी दोई लेके आई हूँ। उसके बाद है ये है ज़ोराबियन का चिकन, ये मैं आज रात को बनाऊंगी, और मैं कल बनाऊंगी फिश, और ये है फिश, इसको अभी रखना है धो के, अच्छे से मैं धो के रखूंगी। और
ये है दूध, होममेड, हाँ ये अमूल का है, गोल्ड है ये थोड़ा सा ठीक वाला दूध होता है ना वो वाला, इससे खीर अच्छा बनता है, तो खीर बनाऊंगी मैं कल। और है सलाद बोल रही हूँ, ये क्यूकम्बर, ये दो क्यूकम्बर है इधर, बस ये हो गया, बैलून कर दो। और उसके बाद इसमें है कुछ स्नैक्स टाइप का, कुछ बिस्किट्स, कुछ मनाली कल बोल रहे मम्मी मैं स्कूल में ये लेके जाऊंगी, बाउली का है ये, बाउली मॉनफिल्स ना ये मूनफिल्स। और कुछ कल हम लोग सुबह केक के साथ मैं क्या बोल रही हूँ, चाय के साथ बिस्किट, क्या बोल रही, मैं पागल हो गई हूँ, चाय के साथ केक लूँगी और मनाली ये दोनों लेके जाएगी स्कूल में कल, और एप्पल ये लेके जाएगी, और मनाली की ये वेफर है ये वेफर, और ये जो नॉर्मल कार्ड है वो है मैं जो लेती हूँ दोपहर को, और ये भी एक बिस्किट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये इस टाइप का नमकीन बिस्किट चाय के साथ। उसके बाद एक बड़ा सा ब्रिंजल, उसके बाद है इसमें है टमेटोज है इसमें, काफ़ी अच्छा मिल रहा था बिग बाज़ार में, आपको मैं दिखाती हूँ, कलर बहुत एकदम रेड था, फट देती हूँ पैकेट, क्या है तो फ्रिज में बाहर ही रखना है पैकेट से निकाल के, तो ये 15 रुपये किलो में मुझे मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था, तो मैं लेके आई हूँ। ये कितना लिया, 12 रुपये, तो ये है टमाटोस। उसके बाद है जिंजर, और ये स्कॉच ब्रेड के मैं लेके आई सुपर स्ट्रॉन्ग, ये जो कढ़ाई वगैरह सब तवा वगैरह घिसने के लिए, ये जो मरून कलर का है ना वो है, इससे अच्छा अच्छे से क्लीन होता है। और बस हो गया है, हाँ और एक थम्सअप है, ये जो चिकन नगेट्स मैंने दिखाया ना, चिकन नगेट्स इसके साथ इसको खाऊंगी, खाएंगे हम सब, तो ये है। और एक मैं स्कॉच ब्रेड का लेके आई हूँ, मेरे पास है जो पुराना जो मिलता ना पहले जैसा मिलता था बॉटल क्लीनर, तो वो है सीजर, दोनों मानी के पास ही सीजर है, वो कुछ बना रही है क्राफ्टिंग की काम कर रही है, तो आपके सामने मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए केक जैसा, आइसक्रीम जैसा लग रहा है ना, हाँ आइसक्रीम जैसा लग रहा है ये पिंक कलर के, और ये खोल सकती हूँ क्या, नहीं इधर तो कुछ ऐसा है, तो ये ऐसे इसको बॉटल मतलब जो स्कॉच ब्राइट है ना उस टाइप का कुछ फिनिशिंग है, और अंदर स्पॉन्ज है तो इजीली ऐसा हो जाएगा। तो ये मुझे मिला है, इसका प्राइस है 160 रुपीस, इसका प्राइस है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था ये, तो मैं लेके आई हूँ बॉटल, क्योंकि स्कॉच मेरा तो स्टील का बॉटल है ना, तो स्कॉच ब्राइट से अंदर अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो आप जिनके पास स्टील का बॉटल है क्या प्लास्टिक में थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है, स्टील का बॉटल के लिए ये आप इस टाइप का जो बॉटल क्लीनर है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है एक आइसक्रीम जैसा बॉटल क्लीनर। गुड मॉर्निंग, और आज है 6 सितंबर, और आज है एक स्पेशल डे, और इसलिए मैं सुबह सुबह नहा के पूजा वूजा हो गया, तो अभी थोड़ा सा मैं सज रही हूँ, क्योंकि आज मन बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए मैं सुबह सुबह नहा के आज मैंने लिपस्टिक काजल ये सब लगाया, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब खुशी का कुछ होता है तो मन खुश होता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, मेकअप वगैरह करने का मन होता है, तो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और लिपस्टिक और काजल बस, और जो बॉडी स्प्रे ये सब है। तो क्या है आज, आपने गेस किया कर लिया है क्या, आज है एक किसी का बर्थडे, और किसका बर्थडे है वो है आज मेरे हस्बैंड के बर्थडे है आज, और बहुत ज़्यादा मैं आज खुश हूँ। तो अभी वो तो उनका छुट्टी नहीं है तो ऑफिस चले गए हैं, सुबह जाने का मन नहीं कर रहा था बट ऑफिस से जाना पड़ेगा, तो रात को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सब कुछ। तो मैं सुबह से सज धज के बैठी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फील कर रही हूँ कि चलो बर्थडे का कुछ माहौल अभी से बनाया जाए, तो अभी से इसलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर मनाली भी रेडी हो रही है, अभी इधर आ जाओ
मनाली का, मनाली अभी रेडी हो गई है नहा के, अभी इसको जिप। तो ये है मन्नू बेबी, मन्नू बेबी ने नहाया अभी, इसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है आज, रेड कलर की ड्रेस। तो अभी सब हेयर को अच्छे से सेट करेगी, हेयर बैंड लगाएगी, क्रीम लगाएगी, उसके बाद हम लोग खाना बनाएंगे पापा के लिए, खीर बनाएंगे ना। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी और खीर, दूध को मैं उबल के रख दिया है और थोड़ा सा उबलना है, उसके बाद मैं खीर बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट, और खाना बनाने का पूरा सब कुछ मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। तो अभी थोड़ा सा मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, कुछ डेट्स, चेरी और गोजी बेरी बोल के ड्राई फ्रूट्स है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने लेके आया, मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, और कुछ रसबेरी है, अखरोट है जो मुझे एकदम पसंद नहीं बट खाना पड़ता है, मनाली को बहुत पसंद है, पिस्ता है और ब्लैक किशमिश है। तो बस ये है आज ब्रेकफास्ट। तो हम दोनों अभी, मनाली का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा दे रही हूँ उसको, तो खाओ। और मेरा सबसे फेवरेट है ये चेरी और ये खजूर, डेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में मैं जब घर में किसी की पूजा होता था ना, मैं बोलती थी कि मुझे खजूर दो, एक नहीं दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खजूर खाना। और ये डेट्स है, खजूर जो है हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप भी चाहो तो ड्राई फ्रूट्स डेली कंटिन्यू मतलब खा सकते हो कुछ भी, और डेट्स अगर पॉसिबल होता तो फिर डेट्स खाइए, डेट्स हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और कल नाले के स्कूल में पीटीएम है तो जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो ऑफिस है, वो नहीं जा सकते, मैं ही जाती हूँ हमेशा, और बस सुबह सुबह जाना पड़ेगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल में ये सब अटेंड करना, कितने सारे मनाली के दोस्त से मैं मिलती हूँ, वो सब बोलते आंटी आंटी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक दिन क्या हुआ था, मैं मनाली के स्कूल गई थी और ऐसे नॉर्मली गई थी, तो दो बड़े बच्चे शायद 8 7 8 का होगा, तो मुझे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग आंटी मैडम, मुझे सोच रहे थे शायद मैं नई मैम हूँ स्कूल की, तो मैंने भी गुड मॉर्निंग किया, क्योंकि गुड मॉर्निंग किया तो मुझे भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो मुझे मन में बहुत ही मतलब हंसी मुझे आ रही थी कि वो मुझे मैडम सोच रहे हैं, स्कूल टीचर सोच रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैं आके घर में बोल रही थी तो बहुत हंस रहे थे, बोलते हाँ तुम तो टीचर जैसे दिखती हो, तो ऐसे ही। और एक बार मान ली की क्लास के एक बच्ची मुझे, मैं उसके मान ली की क्लासरूम की जो कॉरिडोर है उधर मैं खड़ी थी, तो बोल रही थी आंटी आप क्या नए टीचर हो, मैंने बोला नहीं बेटा मैं एक स्टूडेंट की मम्मी हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। तो मैं घर में आके बोलती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो ये सब है क्या टीचर जैसे सच में देखती हूँ, अब बोलिए। मुझे पहले भी मैं जब स्कूल में पढ़ती थी नाइन्थ में या हाँ 9th में था शायद, या तो नहीं सॉरी मैं 11th में थी, तो एक बार स्पोर्ट्स डे था, तो उसके मैं स्पोर्ट्स डे में ना मैं वो पैरेड वगैरह जो होता था स्कूल में स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स शुरू होने से पहले जो पैरेड होता था, तो मैं हर साल पैरेड में मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो साड़ी में करना था क्योंकि 11th में हम लोग साड़ी पहन के जाते थे। तो मैडम स्कूल के जो मेरे जो इंचार्ज थे जो स्पोर्ट्स के टीचर, उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स के दिन आप लोग साड़ी पहन के आना, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है साड़ी का, और स्पोर्ट्स के पहले दिन स्कूल में आप लोग कुछ भी साड़ी पहन के आ सकते हो। तो मैं मेरी मम्मी के क्रीम कलर और मरून कलर की कॉम्बिनेशन में एक साड़ी मैं पहन के गई थी, बहुत लाइट कलर की साड़ी थी। तो एक 5th की या 6th की लड़की बोल रही थी आप क्या नए मैम हो स्कूल की, मैंने बोला नहीं मैं 11th में पढ़ती हूँ, मैं मैडम नहीं हूँ। तो सर मुझे कैसा लगता है क्या आप बोलिए, मैं मुझे टीचर जैसा कुछ लगता है क्या साड़ी पहनने के बाद या कुर्ती पहनने के बाद, मुझे तो ऐसा नहीं मुझे लगता है क्या मनाली, मनाली बोला नहीं क्या मालूम, मुझे ऐसे ही बोल के बोलते आप टीचर हो आप मैडम हो, मुझे इतनी हंसी आती है मतलब क्या बताऊँ आपको। तो चलिए अभी जाती हूँ किचन में खाना ये ख़त्म करके फिर मैं जाती हूँ।
का बलून हो गया है और अभी इसको सेट करना है। अभी फिलहाल बेड में रखूंगी बट एकेडमी से आने के बाद फिर मैं इसको बजाऊंगी क्योंकि मुझे अभी एकेडमी जाना है। और ये है आज का डिनर, पत्ता गोभी की सब्जी इस विथ फिश हेड और कुछ फ्राइड मैंने बनाया है, बैंगन की फ्राई, आलू की फ्राई और फिश जो चिकन एग चीजी बॉल है उसकी फ्राई है ये। और ये है फिश कालिया और ये है दाल। तो बस यही है आज का डिनर। तो बस हो गया है सेलिब्रेशन, अभी तो केक कटिंग हो गया है तो अभी थोड़ा बहुत पेस्ट्री केक हम लोग खाएंगे और हस्बैंड का जो खीर है वो उन फिनिश करेंगे क्योंकि उनको ही फिनिश करना है ये खीर। तो बस बहुत मज़ा आया केक कटिंग करके, मनाली भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ये वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ और हाँ थोड़ी देर बाद हम लोग डिनर करेंगे। डिनर सब कुछ रेडी हो गया है तो 10 बजे तक डिनर कर देंगे, अभी तो बज गया 8 तो अभी तो टाइम नहीं है डिनर का। और ये वीडियो को मैं इधर एंड कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अगले नए एक वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।